हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली बैटर से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इस रेसिपी को आप बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इडली बैटर से नाश्ता बनाने की सामग्री है 2 कप इडली का हमने बैटर लिया है, 2 चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1/2 कप फ्रेश नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, 8 से 10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच सूजी, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच, 4 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और तलने के लिए तेल। परफेक्ट इडली बैटर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाउल में हम इडली का बैटर डालेंगे, कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, सूजी डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और अब हम तेल में तलेंगे। तलने के लिए हमने तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म किया है और अब हम पकौड़े की तरह छोटे छोटे तलेंगे। धीमी आंच पर हमने अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई करेंगे। इडली बैटर से नाश्ता बनकर तैयार है। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी कुरकुरी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।